है, अब ये समाज यहाँ की नजर है इसे आश्रमों में इनकी संपत्ति पर दिया था कुछ लेना नहीं ना रही है समाज का लेना, सिर्फ संपत्ति पर कब्जा करके बिरादरियों को लड़ाना चाहवा नफरत फैलाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई सही आर्य समाजी और बिल्कुल भी तिरंगा टावेगा नहीं, ओम का झंडा नहीं होगा ना पतरंग का झंडे को उतार का ओम का झंडा करे, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है राजपूतों को रोडों पर बना दे। अब ये देवी जी आज की तारीख में अगर वहाँ प्रोग्राम करा चार आदमी के अंदर क्यों नहीं आते, और गुरु ब्रह्मानंद जी आके आज भी लाखों करोड़ों विदेशों में भी आते हैं। समाज बहुत बड़ी संस्था है, आप आर्य समाज को बढ़ाओ ना, इसमें गुरु ब्रह्मानंद जी को क्यों भी आर्य समाज जी का सर्वनाश। आर्य समाज में वहाँ के आर्य समाजियों ने कुछ हमारे गांव में भी आर्य समाज उन्होंने कहा भी ये झंडा गुरु ब्रह्मानंद जी और गुरु ब्रह्मा स्वामी दयानंद और आर्य समाज ना बीच में जो अफवाह फैलाकर उन्हें लड़ा और दो बरादरियों को लड़ा। नमस्कार, मैं हूं विनोद महला, आप देख रहे हैं द मुद्दा। मेरे साथ इस समय भारतीय किसान यूनियन के नेता गुणी प्रकाश जी हैं। अब हम गुणी प्रकाश जी से बीकेयू के मामले में कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, जो ब्रह्मानंद जी का प्रकरण चल रहा है उस मामले में बातचीत करेंगे। गुणी प्रकाश जी गांव भरड़ से हैं और ब्रह्मानंद जी की जन्म स्थली है वो चूड़माजरा है और दोनों गांव आस पास है। जी गुणी प्रकाश जी, आपका द मुद्दा पर स्वागत है। आपका और आपके दर्शकों का सभी का स्वागत है। जी, जो ये मामला चल रहा है ब्रह्मानंद जी और आर्य समाज के बीच में आ गया है, ये प्रकरण चल रहा है और आपको इसके बारे में जानकारी होगी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा यो कहना है गुरु ब्रह्मानंद जी हमारे साथ ही गांव है चूड़माजरा फरड़ में कोई फर्क नहीं। जब मैं छोटा सा था पूरा फरड़ गांव गुरु ब्रह्मानंद जियों ने वहां भंडारा लगाया था, पूरा गांव उनके साथ था। एक मारा राजपूता का गांव है ब्रोट, ब्रोट में गए तो पूरे राजपूत बिरादरी ब्रह्मानंद जिया का और ब्रह्मानंद जिया का आचार विचार था, उन्होंने समाज में समाज सुधार का बहुत बड़े आज के युग में कलयुग में वो देवता आदमी थे संत आदमी। लेकिन अब दुर्भाग्य से क्या हुआ कि दो महापुरुष उनका जो अपना अपना टाइम है अपने अपने टाइम में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, और अब कुछ लोग स्वामी आर्य समाज के नाम पे और गुरु ब्रह्मानंद जिया के नाम पे तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा एक सवाल है, जिस समय गुरु ब्रह्मानंद जी थे उन्होंने अपना झंडा बनाया था पंचरंगा झंडा और वो फरण में लगाने के लगाया था, जब उन्होंने भंडारा कराया तब भी लगा हुआ है। उस समय वहां के आर्य समाजियों ने कुछ हमारे गांव में भी आर्य समाजी उन्होंने कहा भी ये झंडा नहीं होना चाहिए। उस समय लोगों ने कहा भी गुरु ब्रह्मानंद जी इतनी महान शख्सियत है, उनका झंडा है वो गांव के अंदर फैला दिया। और मेरे एक और मैं बात बताऊं, गुरु ब्रह्मानंद जी मैंने खुद देखा, जब वो मान ले भंडारा खरल गया उन्होंने तीन दिन फरण चला, उसमें बड़े राशन पानी पैसे पूछे आए, चार बजे उठकर चले गए गुड़ोट चले गए, सारा पैसा पीसा पूसा छोड़ गए, वहां उन्होंने ब्रोट में करे वो कुंडरी चले गए, वहां आश्रम बन गए। मान ली इतने तपस्वी आदमी, अब मैं कह रहा भाई आर्य समाज बहुत बड़ी संस्था है, आप आर्य समाज को बढ़ाओ ना, इसमें गुरु ब्रह्मानंद जी को क्यों बीच में खींचो, वो भी महापुरुष कोई भी आर्य समाज की आलोचना नहीं करता, लेकिन कुछ लोग शरारती लोग गुरु ब्रह्मानंद जी और गुरु ब्रह्मा स्वामी दयानंद और आर्य समाज ना बीच में जो कुरुतियां अफवाह फैलाकर उन्हें लड़ा रहे और दो बिरादरियों को लड़ा रहे। रत्नी देवी जी ने बड़ी कोई आप एक आदमी कह दो कि उन्हें कभी जातिवाद का नाम ले यार, कभी उनका ये कहा होगी आप किस खानदान से आ रहे, तो इस तरह की बातें हमारे जैसे लोगों को भी दर्द हुआ भी ऐसी बातें नहीं होती। यह भी बात सामने आ रही है, आपको तो जानकारी पहले से भी होगी कि जब गुरु जी किसी गांव में जाते थे तो आर्य समाज उनका उन दिनों भी विरोध करते थे। नहीं, मैं ये कह रहा कि आर्य समाजी बहुत बढ़िया संस्था है, लेकिन आर्य समाजी का सर्वनाश आर्य समाजियों कर रहे, जो इतना बड़ा था मैं जब छोटा था उस समय आर्य समाज का जब वो एक रहा प्रोग्राम हुआ था पूरा गांव बैठ गया था, आज की तारीख में अगर वहां प्रोग्राम करा चार आदमी नहीं आते क्यों नहीं आते,
और गुरु ब्रह्मानंद जी आके आज भी लाखों करोड़ों विदेशों में भी झंडे लगे हुए हैं। मैं ये कह रहा कि आर्य समाज नहीं बुरा, लेकिन इनके जो लोग हैं ना वो पहला भी लोग थे गुरु ब्रह्मानंद जीओं का कोई अब एक बात बताओ, वेद की बात करो, वेद जो वेद करेगा तो आर्य समाज ही बन गया। आप बताओ सनातनी भी तो वेद पर प्रचार करा, मरने पर भी तो करा, पिंड दान लेने में भी तो वेद मंत्र। वेद का मतलब यो नहीं है कि आर्य समाज ही हो गया, वह सनातनी भी आर्य समाज ही है। मैं कहूँ वेद पर तो 100 दोहरी यहाँ यूनिवर्सिटी में तो सारा यूनिवर्सिटी आर्य समाज बन गए। आर्य समाजी वेद जो है नी, वेद हमारी आदि वेद है और स्वामी दयानंद ने उसमें शोध करका वेदों को मजबूत कराया था। लेकिन अब यह क्या कर रहे हैं वेदों के नाम पर, जिस तरह की अब मैं भी सुन रहा हूँ कि वेद होने का गुरु ब्रह्मानंद जी आगे तो ओम का नाम या ओम करा उस आर्य समाजी बन गए। गुरु ब्रह्मानंद जी का अगर जीवन देखोगे वो किसी धर्म संप्रदाय से नहीं थे, उन्होंने मानवता के लिए काम किया। अब ब्रह्मानंद जी का नाम देखा सब, मैं सब बताऊ सबसे बड़े संपत्ति झगड़ा क्या झगड़ा है संपत्ति का, चाहे वो गुरु ब्रह्मानंद के चेले हो चाहे वो आर्य समाज हो। अब शुरू गुरु ब्रह्मानंद जी है ना कोई आश्रम का निर्माण नहीं करा था, अब करोड़ों की जो संपत्ति होगी नी उसमें ये रत्नी जैसी तो है नहीं। अब ये संपत्ति के झगड़े हो गए संपत्ति। अच्छा मैं बताओ इसमें जो कंट्रोवर्सी हो रही है जगदीशानंद जी विलेशानंद जी, झगड़ा क्या है झगड़ा, अगर ये संपत्ति ना होती कोई झगड़ी नहीं होना का, झगड़ा होना का कारण है अब आर्य समाज की नजर है इस आश्रमों पर इनकी संपत्ति पर। झगड़ा समाज इसका वेदों का नहीं है, झगड़ा ओम का नहीं है, झगड़ा है संपत्ति का। और उस संपत्ति में मैं तो इन तक कहूँ सारी देवियों जैसे भी निवेदन करूँ आर्य समाज जैसे भी करूँ कि गुरु ब्रह्मानंद जैसा महापुरुष आज के इस युग में कलयुग में नहीं होया, स्वामी दयानंद का बड़ा कोई महापुरुष नहीं होया। आप इनके नाम पर लोगों को बरगलाओ ना। अब सबसे ज्यादा दुख की बात यह है राजपूतों को रोडों को बरा रहे। अब ये देवी जी भी कह रही कि मैं तो राजपूत बरादरी इसलिए आज तक रत्नी जी रही कब मेन्ना को मैं रोड बरादरी जो मरा लड़का है वहां मैं पूंडरी फरल है चारों तरफ रोड है, मेरा कभी रोडा से कोई विवाद नहीं रहा, मेरे मित्र रहे आप भी मेरे मित्र प्रवीण भी है दूसरे भी अपने राजपूतों से ज्यादा है। आप यो नफरत फैला रहे हो चाहे वो देवी जी नफरत फैला रहे या तो कोई और फैला रहे, ये सबसे लिए घातक है यार। यो सिर्फ झगड़ा झगड़ा सिर्फ संपत्ति का झगड़ा है, इन्हें ना गुरु ब्रह्मानंद जी का कुछ लेना नहीं ना आर्य समाज का लेना, सिर्फ संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश है और ये होने नहीं देंगे। जो ये विवाद शुरू हुआ ये विवाद सोशल मीडिया से शुरू हुआ, कुछ आर्य समाज से जुड़े हुए लोगों ने जो गुरु ब्रह्मानंद जी के हाथ में एक भगवा झंडा दे दिया और पचरंगा झंडा हटा दिया, इसके बारे में आप क्या मैं कितना गलत है कि मैं यूं कहूं जिन लोगों ने पतरंगा झंडे को उतार का ओम का झंडा कराया उनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सब अपनी अपनी जगह, गुरु ब्रह्मानंद जी भी है आर्य समाज भी है, कोई आर्य समाज जो सही आर्य समाजी हो बिल्कुल भी पतरंगा ढावेगा नहीं ओम का झंडा लगावेगा। जो आदमी वो शरारत कर रहे हैं वो सिर्फ समाज में नफरत फैलाने के लिए है। और मेरा भी सरकार से निवेदन है जिन लोगों ने हरकत करी वो दो बिरादरियों को लड़ाना चाहवा नफरत फैलाना चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, जा जो जाति के नाम पर चाहे कोई सन्यासिनी भड़का हो चाहे आर्य समाजी बड़ा हो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके इस विवाद को खत्म करना। और मेरी सभी रोड बिरादरी के मैं खुद राजपूत बिरादरी से हमारा संबंध है और वो रहेगा भाईचारा रहेगा। गुरु ब्रह्मानंद जी मैं छोटा सा था हमारे सारे घरों में फोटो लगी हुई गुरु ब्रह्मानंद जी की, हर जगह आर्य समाज भी है सब जगह झंडा लगा हुआ। आप ये कह नहीं सकते कि गुरु ब्रह्मानंद किसी जाति का नहीं है किसी धर्म का नहीं है कोई वो नहीं है, वो जितना रोड बिरादरी का उतना राजपूत बिरादरी का। गुरु ब्रह्मानंद जी जो इस नगर पकड़ा होगा मेरा हालांकि किसी इनसे कोई लेना देना नहीं है, अगर इस तरह करेगा मैं भी मैदान पाऊंगा और इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज भी कराऊंगा। कोई गुरु ब्रह्मानंद जी का कोई आपने चमत्कार देखा हो या सुना हो कोई ऐसा? हाँ मेरा खुद का चमत्कार था जी। मैं छोटा सा था मेरी माता जी मैंने बड़ो लेकर गई जी, मैं गया मेरी माँ ने कहा इसका मेरे सिर पर देगा, यो तो ना लीडर बनेगा
और यो तो देख इसका होएगा। अब मुन्ना अब बैठे बैठे लगा भी गुरु जी है ना, उस टाइम मेरी सारी 8-9 साल की उम्र थी, और नु का शरारती है वो ईंट मारा तो मरण दे, ईंट मार के जो नेता बनेगा। सच्चाई मेरी शख्सियत मैं एक पढ़ दू, चौधरी सिंह का महान आदमी कोई नहीं है यहाँ कुंडरी मां, उसने एक बात कही थी भाई यो गुरु ब्रह्मानंद तो लड़कियों ने लेकर बैठा यो पखंड करा, और यो तो केदर है इसमें। आज ईश्वर सिंह का नाम नहीं रहा, गुरु ब्रह्मानंद जिया का पूरे देश में गुरु ब्रह्मानंद जिया के झंडे लगे हुए हैं। ईश्वर सिंह मारता ज्यादा विकास पुरुष कोई नहीं हो सकता, लेकिन आज ईश्वर सिंह का नाम नहीं गुरु ब्रह्मानंद जिया का, इसका बड़ा चमत्कार दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ये थे गुरु प्रकाश जी जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी।